यूक्रेन को नष्ट करने के अपने मंसूबे को पूरा करने की तरफ रूस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। रूस के निशाने पर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों से लेकर यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके महत्वपूर्ण इलाके हैं। हथियारों की कमी का मारा हुआ यूक्रेन रूसी हमलों से तबाह है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा या आखिर वो अपना बचाव करे तो कैसे करे। रूस ने ताजा हमला यूक्रेनी एयरबेस पर किया है। यूक्रेन के निप्रो पेट्रोस क्षेत्र में सेना के एविएटर स्कोए एयरबेस पर कई रूसी मिसाइलों से हमले किए गए। इन हमलों के ड्रोन फुटेज भी सामने आए हैं। सामने आए फुटेज में कई MiG-29 लड़ाकू विमानों और परिवहन विमानों को विस्फोटों के बीच फंसा हुआ दिखाया गया है। रूस ने युद्ध सामग्री रखे जाने वाले डिपो पर भी हमला किया है। एक अन्य वीडियो में बेस के पास तैनात S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर सीधा हमला दिखाया गया है। हालांकि इस हमले में यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना बचाव या पलटवार क्यों नहीं किया, इसकी वजह नहीं पता चल सकी। रूसी हमले में कम से कम 2 MiG-29 जेट और 1 S-300 एयर डिफेंस बैटरी नष्ट हो गई है। रूस के इस हमले ने यूक्रेन और उसके समर्थकों की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल रूस ने जिस एविएटर्स को एयरबेस पर हमला किया है वो डेनेप्र शहर के ठीक दक्षिण में स्थित है, जो फ्रंट लाइन से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी रूसी सेना यूक्रेनी फ्रंट लाइन के करीब पहुंच गई है। अभी हाल ही में यूक्रेन के पश्चिम और यूरोपीय संघ समर्थकों ने चिंता जताई है कि रूस आने वाले हफ्तों में यूक्रेन की फ्रंट लाइन को नष्ट करने के करीब पहुंच रहा है। फ्रंट लाइन किसी भी देश या क्षेत्र की सबसे मजबूत डिफेंसिव लाइन मानी जाती है। यानी दुश्मन ने इसको नष्ट कर दिया तो फिर मानकर चलिए कि अब उसका आगे का रास्ता काफी आसान हो गया। अमेरिका भले ही यूक्रेन को सैन्य हथियार नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो रूस को जीतते हुए भी नहीं देखना चाहता। लेकिन यदि अमेरिका यूक्रेन के लिए फंड जारी करने में विफल रहता है तो यूक्रेन की हार तय है। यूक्रेन की हार एक तरह से अमेरिका की भी रणनीतिक हार होगी, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है।